ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं शॉर्ट। तो शॉर्ट का हम लोग रेफरेंस देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं इमेज इंपोर्ट करता हूँ। मैम स्विच करते हैं, दिस इज अवर फ्रंट व्यू। स्पेस बार प्रेस करेंगे, ये व्यू बड़ा हो जाएगा। व्यू में गए, इमेज इंपोर्ट, कंट्रोल वी, देन एंटर। ये मेरे शॉर्ट इमेज आ गया यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला काम जो आपकी इमेज होगी, इस इमेज को आपको सेंटर पर रखना है। सेंटर भी नहीं रखोगे फंस जाओगे। दूसरा काम आपका यहाँ पे, ये ग्रिड को ऊपर रहना चाहिए। ये दो चीज़ आपको माइंड में रखना है। ठीक है, ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ कर दिया। यहाँ पे स्पेस बार यहाँ देखो, यहाँ पे आपके पास देखिएगा रेफरेंस। ठीक है, अभी क्या करना है मुझे यहाँ पे, अगर चीज़ को स्टार्ट करना है, मैं जस्ट बॉक्स ले लेता हूँ। बॉक्स लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, बॉक्स लिया, व्यूपोर्ट को थोड़ा सा देख लें, व्यूपोर्ट पे कैसा है। मुझे ग्रिड ऑफ करना है, मैं यहाँ से ग्रिड ऑफ कर देता हूँ। बॉक्स है, व्यूपोर्ट को जूम इन जूम आउट, ऑल्ट और राइट क्लिक, ऑल्ट और मिडिल माउस बटन पैनिंग। ठीक है, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक आपका ओरिएंटेशन या रोटेशन बोल सकते हो। ठीक है, वी पोर्ट को मैनेज करना है। अभी मुझे यहाँ पे काम करना है, मैं यहाँ पे करता हूँ फोर। ठीक है, फोर सीधे प्रेस किया, फोर में क्या होगा, वायर फ्रेम आएगा। ग्रिड कर दो ऑफ फॉर अ टाइमिंग। ठीक है, मुझे यहाँ पे शॉर्ट बनाना, शॉर्ट भी हम लोग बहुत बढ़िया सा बनाने वाले हैं। ठीक है, जिसमें डिटेलिंग बहुत अच्छी खासी है यहाँ पे, और इसको मैनेज करना अपने आप में एक टाइम टेकन चीज़ है। क्या तो ये टाइम लेगा, लेकिन चलो। राइट क्लिक, वर्टेक्स पे गए, वर्टेक्स को सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन सीधे खींच दिया मैंने ऊपर की तरफ, यहाँ तक। यहाँ तक मेरे पास पार्ट है। ठीक है, आर प्रेस किया, स्केल, ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, दूसरा काम, स्पेस बार प्रेस किया मैंने यहाँ पे, यहाँ देखो शॉर्ट बना रहे। तो यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, यहाँ पे एक एजिस लेना है। तो एजिस को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल राइट क्लिक, एज रिंग यूटिलिटीज एंड स्प्लिट। ठीक है, एज रिंग एंड स्प्लिट करके ऑप्शन है। तो ये पार्ट आपको यहाँ पे मिल गया, सेलेक्ट करो ऑब्जेक्ट ऑल्ट एच, यहाँ देखो। ठीक है, यहाँ पे अभी तलवार का जो कॉर्नर वाला पार्ट है वो पॉइंटेड होता है, पैना होता है, तभी वो कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी ये चीज़ मुझे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मुझे पता होना चाहिए। टॉप से इसे सेलेक्ट किया, इसे सेलेक्ट कर देते, यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्विफ्ट एंड स्विफ्ट, ये दोनों सेलेक्ट करोगे यहाँ पे। अब ये मेक श्योर ऊपर के दोनों, नीचे के दोनों, दो दो चार वर्टेक्स आपके सेलेक्ट हो। और मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल स्विफ्ट एंड एच, रेफरेंस को मैंने वापस लेके आ गया। तो कंट्रोल स्विफ्ट एच है हाइट का ऑप्शन। ठीक है, दूसरी बात, ये मैंने टॉप व्यू में जाके स्केल कर दिया यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो कैसे काम आपको करना है। ठीक है, तो पहला काम हमने ये कर दिया। दूसरा काम, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एजिस चाहिए। एजिस कैसे लेंगे, एजिस लेने का आपको मैं दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर इमेज प्लेन मिल जाएगा, तो ये आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला है। दो ऑप्शन है इसे बचने के लिए, एक तो साइड राइट क्लिक करो यहाँ पर साइड में तो मिलेगा, दूसरा सेलेक्ट करो आपके यहाँ पे, देखो ऊपर से लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है, क्लिक करोगे यहाँ पे, चैनल बॉक्स एंड लेयर एडिटर। चैनल बॉक्स क्या है, इसमें आपका ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट है। ये देखो प्लेसमेंट दिख रहा है आपके यहाँ पे, दिख रहा है ये प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, यहाँ पे नीचे डिस्प्ले, ये लेयर एडिटर है, लेयर ऐड ऑन करो। मुझे प्लेन को ऐड करना है, तो प्लेन को ऐड कर दिया यहाँ पे। ये लास्ट वाले बटन से क्लिक करोगे तो ऐड हो जाएगा। ये वी का मतलब विजुअल, ऑन ऑफ कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑन ऑफ कर दिया। मुझे यहाँ पे सेगमेंट देना है, सेगमेंट देखो यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे अभी ये दिख रहा है, एजिस, कंट्रोल राइट क्लिक, एजिंग एंड स्प्लिट। ध्यान रखना, थोड़ा सा स्टडी में टाइम टेकर लगेगा, कन्फ्यूजन लगेगा क्या कैसे होता है, तो दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। एक बार एजिस को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक एंड एजिस सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, एज रिंग यूटिलिटीज एंड स्प्लिट। ठीक है, ऐसे करके आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अभी किसी को लगता है कि यहाँ पे ऐसे भी काम कर सकते हैं, नहीं तो आपको एडिस मैश और मैश में ये सारे ऑप्शन यहीं के बता रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या काम कर सकता हूँ, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे ये मैं हल्का सा पॉइंटेड कर सकता हूँ यहाँ पे, तो पॉइंटेड मैंने यहाँ पे किया और इसको मैंने घिंच के यहाँ तक लेके आया। ठीक है, तो चलो मैंने यहाँ पे कर दिया पॉइंटेड, मेरा होना चाहिए यहाँ पे, पॉइंटेड कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने किया, तो यहाँ पे मुझे चीज़ देखनी है यहाँ पे कहाँ तक मैच कर रहा है। डब्ल्यू प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ तक ये मैच कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, आर प्रेस किया, बेसिक कॉन्सेप्ट, ये सेंटर पे एक साइड को आप फोकस करो, दूसरी साइड को बाद में आप देखोगे यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज़ें यहाँ पे आपको क्या करना है, एजिस देना है। एजिस पे गए, रिंग एंड स्प्लिट, यहाँ पे मैंने वी दिखा था, वी वी के यहाँ आर कर दिया मैंने, देखा देखा यहाँ पे विजुअल, यहाँ पे रेफरेंस। रेफरेंस क्या करेगा, मैं चाहता हूँ सेलेक्ट करूँ तो सेलेक्ट नहीं कर पाऊँ। देखो एक बार आपको दिखा देता हूँ, इसको मैंने ऑफ किया, ये अपना मॉडल को सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, लेयर पे गए, ऐड कर दिया यहाँ पे, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मेरे पास मॉडल है, इस मॉडल को सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया ट्री। ट्री मतलब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे देखिएगा, राइट क्लिक करो, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे ना आप यहाँ पे, तो ये आपका टेम्पलेट करके दिखता है। टेम्पलेट में क्या हुआ कि आपको किसी चीज़ के ऊपर रख के काम करना हो, टेम्पलेट काम करता है।
ठीक है, ये को सिलेक्ट नहीं होगा, रेफरेंस करो, रेफरेंस पे भी ये सिलेक्ट नहीं होगा, सेव करो, लेकिन रेफरेंस में देखो कलर थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो नॉर्मल रखना है, आपने कोई काम कर दिया, अनलॉक कर दिया, लॉक करना है आपने, टी या आर पे आप रख के काम कर सकते हो, ठीक है, तो रेफरेंसेस के लिए वो काम आएगा। ओके, यहाँ पर मैंने ऑन कर दिया। यहाँ पर अभी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे वर्टेक्स, वर्टेक्स आपके पास यहाँ पे दिख रहा है, एजिस पे गए, रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे, अभी रिंग एंड स्प्लिट यहाँ पे मुझे यहाँ पे सेगमेंट क्यों देना पड़ेगा, जी प्रेस करो, ये देख रहे हैं यहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे एक तरफ से मैं काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये पॉइंटेड यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई चल तो इधर चल, देख रहे हैं यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, चल यहाँ से मेरे पास ये पार्ट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, अभी मैं एक साइड पर काम कर रहा हूँ, रिंग एंड स्प्लिट वर्टेक्स पर पकड़ा, मैंने कहा चल भाई एक तो इधर आ जाएगा, यहाँ पे एडजस्ट पे गया, यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट वर्टेक्स पे गए, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे, ठीक है, तो कर्व मेंटेन कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी जो मैं कर्व मेंटेन कर रहा हूँ, यहाँ पे कर्व मेंटेन करने के लिए मुझे अलग से टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे कैसे, तो ये जो सेप है, ये सेप तो इसके साथ है, ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैनुअल वर्क करना पड़ेगा, देखो ये सेप आपको इसके साथ है, इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एजेस को दिया यहाँ पे, रिंग एंड स्प्लिट के यहाँ पे एंड वर्टेक्स, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, देखो ये पार्ट देखें यहाँ पे, अभी ये जो एजेस यहाँ पे गया, इसके बाद मुझे चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे होता है क्या कि ये चीज़ काफ़ी लोग से बनता नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है, तो देखो यहाँ से मैं इन चीज़ों को बनाने का एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। यहाँ पे मैंने किया इतना पार्ट, मैंने किया सेलेक्ट एंड डिलीट कर देता हूँ, कितने पार्ट में, इतने पार्ट में, ठीक है, अभी इतने पार्ट को मैं सेलेक्ट एंड डिलीट कर दूँ तो भी, या इतने पार्ट को मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट कर दिया, ऑफ कर दिया, यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन दूसरा देखो, सिर्फ राइट क्लिक, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको, यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस करना, यहाँ पे पहले आपको प्लेन लेना है, ठीक है, प्लेन लिया, ठीक है, सिर्फ राइट क्लिक, क्रिएट पॉलीगन टूल देखना, यहाँ पे ये लो, क्रिएट पॉलीगन टूल से लो, वो ज़्यादा बढ़िया। अभी क्रिएट पॉलीगन टूल से मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, क्लिक किया यहाँ पे देखो यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है आपके पास, यहाँ पे ये शेप मैंने यहाँ पे दिया, ये शेप मैंने यहाँ पे दिया, अभी देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं अच्छे से मैनेज कर पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अभी मैंने इस शेप को इसमें मॉडिफाई किया, इतना किया, मुझे हाफ ही बनाना, हाफ में डुप्लीकेट कर लूँगा, एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने करने के बाद यहाँ पे मुझे सिर्फ राइट क्लिक मल्टी कट यूज़ करना है, मल्टी कट ये क्लिक किया, यहाँ पे एक मैंने एजेस दे दिया एंटर। मल्टी कट क्या करता है, बीच में कहीं आपको सेगमेंट चाहिए, आप यहाँ पे दे सकते हो, आप यहाँ पे एंटर, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, ये पॉइंट किया एंटर, क्लिक, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे मैंने सेट किया ये पार्ट, मैंने यहाँ पे दिया एंटर, ठीक है, यहाँ पे सेट करते हैं, यहाँ पे देखो, ठीक है, आपको ये जस्ट आपको कनेक्टिविटी बनानी है क्या, ये कनेक्टिविटी बनाओगे तो आपका काम आसान हो जाएगा यहाँ पर, ओके। फिर देखो यहाँ से मैंने एक काम किया, अभी ये यहाँ पे कितना अच्छा और इजी वे में बन जा रहा है यहाँ पे, समझ रहे यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मैंने इतना काम कर दिया, अभी यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, देखो ध्यान से देखो, ये जो शेप मैंने दिया, फोकस कर दिया यहाँ पर, अभी ये देखने में बहुत ईजी लगा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर गए, सेलेक्ट कर दिया मैंने, ये बाहर की तरफ निकाल दिया, देखना अभी ये पार्ट है। अभी यहाँ देखो, यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ, मेरे पास ये शॉर्ट भी है, देखना अभी ये शॉर्ट ग्रे कलर, ये ब्लैक कलर, क्यों, तो ये ब्लैक कलर हो तो सही नहीं होता, पॉजिटिव मतलब नहीं है, निगेटिव पार्ट होता है। फेसिस पे गया, डबल क्लिक कर दिया, शिफ्ट राइट क्लिक, फेस नॉर्मल्स एंड रिवर्स, रिवर्स करते हुए अपोजिट हो जाता है, ठीक है, ये देखो देखें आपके पास यहाँ पे। अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, देखो ये चीज़ मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा था, ये ऐसा है। अभी यहाँ पे देखो, इसको मैं और टिप्स एंड ट्रिक्स से दिखाता हूँ, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बनाने के लिए बहुत अच्छा ये तरीका है क्या। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एजेस को मैंने पकड़ लिया, यहाँ पे एजेस को सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे देखना यहाँ पे ये पार्ट आपका यहाँ पे, ओके, ये पार्ट शिफ्ट प्रेस करके आप यहाँ पे डाउन कर सकते हो, आप यहाँ पे ये पार्ट आपने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब शेप को मैच करो, तो आपको शेप को मैच करना आ जाएगा। अभी ये जो शेप मैंने मैच किया वो कैसा है, देखो ये शेप मैं अगर मैच कर रहा हूँ तो ऊपर से तो सही दिख रहा है, लेकिन क्या मैंने इसे अंदर की तरफ लेके गया, यहाँ पे यहाँ से ध्यान से यहाँ पे टॉप में देखो आपको फ्लैट है ना, यहाँ पे ये तो अंदर जाना चाहिए ना यहाँ पे, तो यही समझना है कि जब आप शॉर्ट बनाओगे तो शॉर्ट बनाते हो कि आपको यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना, देखो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ये काम मैंने यहाँ पे किया था, अगर आपको यहाँ पे देखो ये जो मैंने बेसिक फंडा बताया वो फंडा आपको यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे, तो आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अगर आप ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स
अगर मॉडल बना रहे हो तो कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, ये अपने सेलेक्ट कर देते हो, देखना अभी ये पार्ट आपको इसके साथ यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये देखो, ये आपका बेसिक डब पता। अब ये चीज़ मैं इसमें बनाने वाला था, देखो कितना टाइम लगता, ठीक है। इसलिए इसको मैंने तो इजी वे में बनाने के लिए ये मैंने एज ए रेफरेंस यूज़ कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अभी एज ए रेफरेंस देखो यहाँ पे, ये अगर मैं यहाँ पे देखूँ यहाँ पे दिखेगा मुझे यहाँ पे, ठीक है। टी प्रेस कर दिया यहाँ पे, यही काम मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एजेस को सेलेक्ट कर दिया 1, 2, 3 एंड 4। मैं थोड़े थोड़े करके कर रहा हूँ, मैं एक साथ भी कर सकता हूँ लेकिन आराम से कर रहा हूँ। देखो सिर्फ प्रेस करके एक्सट्रूड के यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे वी से स्नैप हो जाएगा, देखो वी अपने मॉडल को ऑफ करते हैं यहाँ पे, वी एंड मिडिल माउस बटन वर्टेक्स स्नैप हो जाएगा। स्नैप का मतलब एक साथ एक ही जगह पर आ गए, ठीक है। अभी ये एक साथ आ गए मतलब जुड़ा नहीं है, इसे जोड़ने के लिए सिर्फ राइट क्लिक मर्ज एंड मर्ज वर्टेक्स टू सेंटर, जुड़ जाएगा, ठीक है। ये पार्ट देखो आपका यहाँ पे, ये पार्ट आपने यहाँ पे किया, ये पार्ट आपने यहाँ पे बनाया, ये पार्ट आप यहाँ पे लिखा सकते हो, ठीक है। ये पार्ट आपने यहाँ पे दिया, ठीक है। लेकिन आपके पास यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है एक सेगमेंट की नीड है, तो हम लोग यहाँ पे सेगमेंट यहाँ पे भी देंगे। देखो ये पार्ट में यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये पार्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट कर दिया 1, 2 एंड 3 और शिफ्ट प्रेस करके एक्सट्रूड कर दिया यहाँ पे। अभी शिफ्ट प्रेस करके अगर मैंने एक्सट्रूड कर दिया यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे, तभी मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया वर्टेक्स को पकड़ा, चल भाई इधर चल, जाना पड़ेगा इधर वी एन स्नैप, ठीक है। स्पेसिंग में तो ऐसा मैनेज कर दूंगा, स्पेसिंग इसे स्पेसिंग बोलते हैं, ठीक है। ये पार्ट देखें आपके पास यहाँ पे, तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर दूंगा, करेंगे ना वो भी करेंगे। देखो अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैंने ये चीज़ सेट किया, ये सेट किया तो देखो ये अच्छा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने सेट नहीं किया, ठीक है यहाँ पे। तो इसको इनको सबों को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी ये पार्ट मैं यहाँ से यहाँ तक लेके गया, अब देखो यहाँ पे मैं कोई एक एक्स्ट्रा पॉइंट अगर मैंने लिया जो पहले से इस जगह पर, तो वो दिक्कत लगेगा यहाँ पे। देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे, तो मैं अगर यहाँ पे मैं मैनेज करूँ, मैनेज किया मैंने यहाँ पे, चल भाई ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो ये चीज़ में बस सेम चीज़ यहाँ पे देखना चाहिए, यहाँ पे जो हमारे पास कन्फ्यूजन हो उसे में देखो, उसे मैं मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। अभी या तो मैं इन सबों को एक साथ सेलेक्ट कर लूँ, मुझे लग रहा है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे दोनों एक साथ सेलेक्ट कर दिया, आर फॉर स्केल, स्केल कर सकते हैं यहाँ पे, इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, टॉप में गए, ये काम मैंने कर दिया यहाँ पे। देखो यहाँ पे देखो शार्पनेस यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। एक चीज़ आपको और भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को मैंने सिंपल द पार्ट, देखो यहाँ पे मैं काम करने के लिए भी काम कर सकता हूँ, इस वर्टेक्स को सीधे खींच के यहाँ पे भी लेके आ सकता हूँ यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। ये पार्ट मैं यहाँ पे भी दे सकता हूँ, यहाँ पे मैंने दिखाया था मेरे पास, चलो ये डिटेलिंग वाला पार्ट यहाँ पे कवर कर जाएगा, शार्पनेस आ गया यहाँ पे। दूसरी चीज़ें यहाँ पे मेरे पास कर्व है, मैं कर्व भी मेंटेन कर सकता हूँ, देखो रिंग एंड स्प्लिट करके मैं कर्व भी मेंटेन कर सकता हूँ, करूँगा, लेकिन इससे पहले इसको इसके साथ पहले मर्ज तो कर दूँ। अभी समझ में आया, एक पार्ट मैंने ये अलग बनाया, दूसरा पार्ट में बस यहाँ पे था, ओके। तो चलो यहाँ पे काम करते हैं, अभी इसको ऑन करो, देखो अभी आपको आइडिया मिलेगा। देखो यहाँ पे देखें, अभी जो मेरे पास यहाँ पे मॉडल था, मॉडल कैसा था, यहाँ ऐसा था, ठीक है। अभी मैं अपने इस मॉडल को यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, रेफरेंस ऑन कर ऑफ कर दो आप यहाँ पे। अभी मुझे इसको इसके साथ जोड़ना है, तो ये और ये ध्यान से देखो, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे काम किया, अभी इसके साथ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर दिया मैंने मॉडल, ठीक है, फेसेस सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट एंड डिलीट पॉसिबल है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा पार्ट तो नहीं है, डिलीट कर दो यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो ये पार्ट मेरा सेंटर में होना चाहिए, सेंटर में नहीं है, है ना। मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड रेफरेंस ऑन करके देखता हूँ, ये सेंटर पे, ये वाले एजेस मेरे सेंटर पे नहीं है, ठीक है। तो मैं फेसेस सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, इतना पार्ट मैंने हाफ डिलीट कर दिया, दूसरा पार्ट वर्टेक्स पे गए, ठीक है, और मैनेज कर देता हूँ ये ऊपर वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट, ऑल टच। अभी देखो यहाँ पे मैंने चीज़ों को मैंने मैनेज किया, ये जो मेरे पास एजिस जो जाएगा वो एजिस मुझे यहाँ तक लेके जाना है, समझ आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट दिस वन, ठीक है, वर्टेक्स पे थे मेरे पास, यहाँ पे वर्टेक्स है, इसको मैंने सेलेक्ट करते भाई मुझे यहाँ पे जो वर्टेक्स चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट मल्टीपल वर्टेक्स सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, गो टू टॉप व्यू, 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, 4 वायर फ्रेम, ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट किया, देखो होगा, ठीक है, यहाँ पे गए 4 एंड 5 यहाँ पे देखो। अभी यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, यहाँ पे सेट करने के बाद
मेक श्योर कि आपकी चीज़ें सही जा रही हैं यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एन एच, आप रेफरेंस को ऑन कर लो आप यहाँ पे। अभी देखो ये चीज़ मैंने यहाँ पे मैनेज किया, अभी मुझे यहाँ पे देखो याद तो मैं इसको मैनेज कर दूंगा। देखो ये पार्ट में यहाँ पे देखिए स्टार्टनेस यहाँ पे बहुत अच्छे से ट्रैवल करवाया है। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल मैं इसको थोड़ा पीछे लूँ तो क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं इसके बाद मैं ऐसे भी तो मैं मैनेज कर दूँ, चल भाई ऐसा आ जाए, ठीक है ओके। अभी यहाँ पे मैं अगर जोड़ दूँ तो मेरा काम आसान होगा कि नहीं होगा यहाँ पे। अभी दो ऑब्जेक्ट को जोड़ते कैसे, इसलिए मैंने अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लिया, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट को जोड़ते कैसे, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ये मैं इनके अंदर मर्ज कैसे करने वाला हूँ। देखो पहला सेलेक्ट किया, दूसरा सेलेक्ट किया, जो पहला सेलेक्टेड है वो आपका क्या है, वाइट सिलेक्शन दिख रहा है, दूसरा आपका क्या है, ग्रीन सिलेक्शन है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, सेलेक्ट कर दिया एंड शिफ्ट एंड कंबाइन, कंबाइन ऑप्शन देख रहे हैं आप, कंबाइन कंबाइन कंबाइन, ठीक है, कंबाइन कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी कंबाइन करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये जो वर्टेक्स है इस वर्टेक्स को जोड़ लेना है, शिफ्ट राइट क्लिक मर्ज मर्ज टू सेंटर, मैं जोड़ने जा रहा हूँ, जोड़ दिया। अभी एक चीज़ और देखो, आगे पीछे हो रहा है यहाँ पे। दूसरी चीज़ें देखो, यहाँ पे जो सेगमेंट्स वाला पार्ट है वो भी मैं एक अलाइनमेंट में लेके आऊँगा, क्या अलाइनमेंट कैसे लेके आऊँ, ये कोई पार्ट में बस यहाँ पे है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या एजेस को पकड़ लिया, डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे। देखो ये जो मेरे पास एजेस है, यहाँ से इतना एजेस ही चाहिए मुझे यहाँ पे, स्विफ्ट प्रेस करके ये एजेस लिया मैंने पे, ठीक है। ध्यान से देखना यहाँ पे, मैं चालू व्यू में दिखाता हूँ आपको, देखो कंट्रोल एंड स्पेस बार, ध्यान से देखो यहाँ पे ये जो मेरे पास एजेस है, देखो यहाँ पे डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, हम लोग क्यों और किस लिए काम करें। एजेस है मेरे पास यहाँ पे, मैंने क्या किया इस एजेस को यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे साइड व्यू को मैक्सिमाइज किया और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं हल्का सा इधर मैनेज करता हूँ, देख रहे ये पार्ट आपका यहाँ से, ठीक है। आप एक काम और भी कर सकते हो, वी एंड वी करके ऐसे स्नैप करोगे, कभी भी बहुत प्रॉपर भी स्नैप करता है, अनडू करो, ठीक है, एंड देन वी एंड स्नैप, वी और मिडिल एंड स्नैप, ठीक है। वी प्रेस करो, मिडिल बटन प्रेस करो, यहाँ पे स्नैप कर दो, स्नैप कर गया यहाँ पर, तो ये अलाइनमेंट पर आ जाएगा यहाँ पर, ये काम हो गया मेरे पास यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, देखो मैं आपको काम करने का बहुत अच्छा मेथड बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इसको जोड़ देना है, बीच में एक सेगमेंट भी देना है, तो पहले जोड़ दो, राइट क्लिक वर्टेक्स मर्ज मर्ज टू सेंटर, जी प्रेस कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। अभी ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया, ओहो नीचे कुछ आया क्या यहाँ पे, नीचे पता नहीं कुछ अलग सा हो गया, कोई बात नहीं, अनवांटेड चीज़ें डिसलेक्ट करो, डिलीट मार दो, कभी 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 ऐसे भी हो जाता है। अभी देखो यहाँ पे मुझे ये पार्ट यहाँ से लेना है, तो मैं ले सकता हूँ यहाँ पे एजेस। अभी मुझे ऐसा कुछ काम करना है, मैंने काम और कर दिया, रिंग एंड स्प्लिट, रिंग एंड स्प्लिट किया मतलब मैंने बीच में एक और पार्ट दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, राइट क्लिक एंड फेसेस में पीछे वाला पार्ट भी डिलीट करने वाला हूँ, तो मैं मैनेज कितनी करनी देखो, यहाँ पे सेलेक्ट किया यहाँ पे एंड डिलीट, देखना यहाँ पे ये पार्ट में बस यहाँ पे हो गया। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वाले जिसको पकड़ लिया मैंने, कहा चल भाई यहाँ से लेके यहाँ तक स्विफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। लेफ्ट व्यू में जाओ ज़्यादा बेटर, स्पेस बार एंड राइट क्लिक करो, लेफ्ट व्यू आ जाएगा यहाँ पे, मैक्सिमाइज करो, अगर लगता है देखिएगा नहीं, सिर्फ प्रेस करो और एक्सट्रूड कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। फिर मेक श्योर एक बार टॉप पे जाओ, फोर प्रेस करो, एजेस सही है, फ्रंट में जाओ, हर व्यू में क्रॉस चेक करना है क्या, देन यहाँ देखो फोर एंड फाइव यहाँ देखो, ठीक है। यहाँ पे ये हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे करना चाहूँ तो देखो यहाँ पे मैं वी एंड स्नैप भी करके काम कर लूँगा, कई बार ऐसा नहीं होगा तो आपके क्या करना है, वी एंड स्नैप, देखो यहाँ पे ये इनको ऐसे करके आगे पीछे भी जाएगा यहाँ पे। तो लेफ्ट व्यू में चलते हैं यहाँ पे, एक बार लेफ्ट व्यू में चलते हैं, और मैंने क्या किया, वी को बताना है आ जाओ पीछे आ जाओ, नहीं काम कर रहा, कई बार ऐसे भी देखिएगा भाई आपका बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लिटिल बिट इसको मैंने मैक्सिमाइज किया और इसके साथ में मैनेज कर देता हूँ, ठीक है। एक चीज़ देखो, एक चीज़ मेरे से कुछ गलत भी हुआ, क्या क्या गलत हुआ, कोई अनवांटेड पार्ट अलग से दिखा गया, ये देखो ये अलग से दिख रहा है भाई, ये नहीं होना चाहिए था, ये गलती हो जाती है, लेकिन इस गलती को ध्यान रखना, ये ऐसे नहीं होनी चाहिए। चलो अभी मैंने यहाँ पे किया, इस वाले पार्ट को आपको सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है, अगर ऐसी गलती हो जाए सेलेक्ट एंड डिलीट कर दो, सेलेक्ट एंड डिलीट। ये हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ का वर्टेक्स मर्ज नहीं है। अभी मैंने यहाँ पे मर्ज किया नहीं किया भूल गया, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबको सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, सिर्फ राइट क्लिक मर्ज एंड मर्ज वर्टेक्स, अपने आप हो जाता है, ठीक है। लेकिन बाई चांस कभी ज़्यादा हो जाए तो नंबर कम ज़्यादा करने का ऑप्शन है, देखो
ठीक है यहाँ पे, तो ये ध्यान देना यहाँ पे 0.01 कर देना, 0.001 जोड़ देगा अपने आप। ठीक है, दूसरी चीज़ है एजिस पे गए मैं यहाँ पे, ठीक है एजिस, तो एजिस ठीक है, आप लोगों को व्यू प्रॉपर यूज़ करना है, व्यू यूज़ नहीं करोगे तो आप लोग फंस जाओगे। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया, तो यहाँ पे मैंने कर दिया, तो पेशेंस के साथ काम करोगे तो हो जाएगा। यहाँ पे वर्टेक्स पे गए, मर्ज मर्ज टू सेंटर, बाई चांस नए नए लोगों को नहीं हुआ तो क्या करें, सेलेक्ट करो इस एजिस को, सिर्फ यही एजिस सेलेक्ट होना चाहिए, यहाँ से सेलेक्ट किया दिस वन एंड शिफ्ट प्रेस करो यहाँ पे। तो बाई चांस अगर आपका एजिस सेलेक्ट नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, आर प्रेस करो, स्केल कर दो, स्केल करके इधर घिंच दो, अपने आप मैनेज हो जाएगा। ठीक है, अभी चलो हमने यहाँ पे कुछ काम किया, मज़ेदार कुछ हमने बनाया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जस्ट ये छोटी छोटी डिटेलिंग हम लोग देंगे, क्या देखो यहाँ पे देखें, अभी बहुत बड़े बड़े डिटेलिंग है इसके अंदर। ठीक है, जिसने बनाया बहुत अच्छा बनाया, कॉन्सेप्ट इज गुड। ठीक है, ये पार्ट मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, और यहाँ से मैंने थोड़ा सा एक अंदाजा लगाया कि भाई ये इधर से इधर भी गया होगा। ठीक है, ठीक है ना भाई, ये पार्ट मुझे बेस तो चाहिए। ठीक है, बेस मैंने यहाँ पे दिया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कट वट बनाना है, तो कट वट बनाने के लिए तोड़ने फोड़ने का हम ऐसे जीवस में ज़्यादा करते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक साथ मैं इसमें कर लेता हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। दूसरा काम मेरे पास यहाँ पे देखिए, अंदर से कुछ हॉलो भी है, आर पार भी दिखाना है, तब यहाँ पे ये काम मैं कैसे करूँगा। सबसे पहले काम ये मैंने ब्लॉकिंग किया, दूसरा काम मुझे यहाँ पे एक सिंपल सा सिलेंडर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रिएट में क्या है, मुझे अभी मुझे मॉडल ड्रॉ करना है, मैं पहले क्लिक करता हूँ, देखो सिलेंडर यहाँ पर आ जाएगा, क्लिक करते सिलेंडर आ गया, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। क्रिएट किया और पॉलीगन में गए, इंटरेक्टिव क्रिएशन ऑप्शन ऑन करना, फिर गए यहाँ पे गए सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल मैं खुद क्रिएट करना चाहता हूँ, तो अब देखो मैं खुद क्रिएट कर पा रहा हूँ। देखना यहाँ पे, ये ध्यान रखना मैंने जो ऑप्शन यूज़ किया, अभी यहाँ पे मुझे सेगमेंट कम करना है, तो सेगमेंट कम करने के लिए चैनल बॉक्स ढूंढना, क्या चैनल बॉक्स पे गए, ये देखो देखना पे यहाँ पे सेगमेंट है, मैं मुझे यहाँ पे 8 देने हैं मिक्स, और ध्यान रखना यहाँ पे 8 यहाँ पे रहने चाहिए। ठीक है, ये 8 किया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल डी डुप्लीकेट कर सकता हूँ यहाँ पे, या फिर से बनाना चाहो तो फिर से बना लो, कंट्रोल डी कर दिया मैंने, एक मैंने यहाँ पे कर दिया यहाँ पे, ये थोड़ा सा बड़ा है, तो R4 स्केल। अभी ये जो हमने काम किया क्यों, ये समझो, पहले दो सिलेंडर तो ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, एक सिलेंडर मेरे पास यहाँ पे, एक सिलेंडर मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, दोनों सेलेक्ट कर दिए यहाँ पे, दोनों को सेलेक्ट करके मुझे टॉप व्यू से बाहर लाना है। अभी मैंने सिलेंडर जो क्रिएट किए, देखो सिलेंडर जो मैंने इसका हाइट देना, यहाँ पे हाइट नहीं दिया यहाँ पे, देखो देखिए एट एक्सिस यहाँ पे हाइट कुछ नहीं आ रहा, ये कई बार ऐसा होता है आप ड्रॉ करते हो तो आपको, देखो सिलेंडर क्रिएट करने का भी मेथड है क्या, कि अगर मैं यहाँ पे काम करूँ तो मैं यहाँ पे अलग अलग टाइप से क्रिएट कर सकता हूँ। तो पहले एक क्लिक में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल क्रिएट किया सिलेंडर, सिलेंडर वन क्लिक, एंड दूसरा मिडिल माउस बटन करके देखो, फिर लेफ्ट क्लिक से एक बार ऐसे ड्रैग करोगे तो ऐसे भी आएगा, तो ऐसे भी काम आपका होगा। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या काम करना, जस्ट ये एज ए रेफरेंस चाहिए, रेफरेंस समझ लो कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट किया, मुझे इसको देख के अपने सेगमेंट का लुक देना है। अब देखो यहाँ पे कैसा, एक पार्ट यहाँ पे वर्टेक्स, इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं एज ए रेफरेंस यूज़ कर लेता हूँ, सेलेक्ट दिस वन, लेयर पे गए रेफरेंस, या देखो आप यहाँ पे टी पे भी काम कर जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे हाईलाइटेड दिख रहा है आपको, यहाँ पे राइट क्लिक करो, वर्टेक्स पे गए, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, चल भाई ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे लिया, इस वाले पार्ट को यहाँ पे लिया, ठीक है, एजिस में गए, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया यहाँ पे, अभी देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, वर्टेक्स ये सेंटर पे आ गया यहाँ पे। अभी ये मुझे राउंड बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, ये शेप को मुझे ऐसे कटिंग करनी पड़ेगी, बात समझो, डिटेलिंग करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, ऐसे कट बनाना होगा, ऐसे कट बनाने के लिए यहाँ पे एक सेगमेंट मुझे चाहिए यहाँ पे, देखो देखना यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट किया यहाँ पे। अभी रिंग एंड स्प्लिट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, देखो यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट किया मैंने यहाँ पे, ओके, और इसको मैं थोड़ा सा स्लाइड कर सकता हूँ, स्विफ्ट राइट क्लिक एंड स्लाइड एज लुक टूल, स्लाइड का काम क्या, ये हल्का सा इधर स्लाइड कर देंगे यहाँ पे। अभी आ जाओ वर्टेक्स पाओ, देखो ये वर्टेक्स आपके पास यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया, अगर मैं इसके ऊपर एज ए मैच करके रखूँगा तो मेरे से राउंड प्रॉपर बनेगा और गलती होने के चांसेस कम होंगे। लगता है एक एजेस मुझे यहाँ पे देना हो तो मैं दे सकता हूँ, रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, वर्टेक्स लिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं देखूँ यहाँ पे ये मेरे पास इस पर काम कर जाता, मुझे लगता है इसकी नीड नहीं है, तो मैंने स्विफ्ट एंड डिलीट कर दिया, देखो यहाँ पे हुआ,
अभी ये मैंने कर दिया मैच, यहाँ के फेसेस सेलेक्ट कर दिया, डिलीट कर दिया मैंने। अभी आपको समझ में आया कि मैंने यहाँ पे यूज़ क्यों किया, किस लिए किया और क्या प्रोसेस था? ठीक है, यहाँ देखो रेफरेंस ऑफ करो, ये आपको देखिएगा यहाँ पे टेक्निक पता चल रही है आपको यहाँ पे। तो अभी ही का मुझे यहाँ पे नीचे भी कर देना, तो नीचे भी मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्रंट पे गए कंट्रोल शिफ्ट एन एच, कई बार कंट्रोल शिफ्ट एन एच से नहीं मिलता, डिस्प्ले पे गए सो एंड ऑल 4 5 6 यहाँ पर रेफरेंस मैंने ऑफ कर रखा है यहाँ पे देखा पे। अभी यहाँ पे जो काम करने जा रहे हो 4 प्रेस कर दिया यहाँ पे, यहाँ समझो देखना है इसको भी मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे। ठीक है देखना है अभी यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी बड़ी भी हैं, अभी थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ सेलेक्ट किया मैंने अभी ये पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करके चलना देखें यहाँ पर ये सेंटर लाइन। ठीक है अभी चलो भाई यहाँ पे मैंने काम किया, यहाँ पे काम किया ब्लू ब्लू है ना, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है यहाँ पे मैंने क्या किया मॉडल सेलेक्ट किया यहाँ पे, अभी यहाँ पे हम लोग क्या काम करने वाले हैं पहले समझो, यहाँ पे ये जो वर्टेक्स है उस वर्टेक्स को मैंने सपोर्टिंग में ऐसे कर यहाँ पे कर दिया, यहाँ से इस वाले पार्ट को लेकर आता हूँ। ठीक है ठीक है ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है जस्ट काइंड ऑफ ठीक है ये मैंने यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया, यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे काम कर जाना चाहिए। देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे इस वाले पार्ट को सेलेक्ट कर दूँ, यहाँ पे सेलेक्ट एंड डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, तो राउंड बन गया यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे ये देखना यहाँ पे, तो ये रेफरेंस काम आया। अभी मैं मैनुअल बनाता तो मैं शायद बहुत बढ़िया नहीं बना पाता, ये आप लोग बनाओगे तो बहुत बढ़िया नहीं बना पाओगे, या मुझे एक्सपीरियंस है मैं बना लूँगा आप लोग नहीं बना पाओगे, इसलिए ऐसे रेफरेंस मैंने आपको दिखाया कि भाई ऐसे कुछ काम कर सकते हैं यहाँ पे। हेलो दिख रहे हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो इतना काम किया मैंने यहाँ पे, अभी इतने काम किया मैं एक छोटा सा काम और भी करता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा मुझे कर्व भी देना है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया रिंग एंड स्प्लिट कर दिया यहाँ पे। देख रहे हैं सेगमेंट बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है यहाँ पे, मेक श्योर देखो यहाँ पे जो सेगमेंट जुड़ा नहीं है ना यहाँ पे, इट मीन्स कि यहाँ पे कोई दिक्कत है। देख रहे हैं यहाँ पे ये आपको ये पार्ट आपको थोड़ा सा मैनेज करना है, देखो यहाँ पे कई जगह मुझे यहाँ पे देखो ट्विक करना पड़ेगा। देखना यहाँ पे ये पार्ट आपका यहाँ पे, तो मुझे इस वाले पार्ट को इधर से इधर लेके आना पड़ेगा यहाँ पे। भाई मेरे पास कहाँ गए पार्ट यहाँ पे, ठीक है और ये पार्ट कौन सा है, देखो यहाँ पे ये पार्ट आपका यहाँ पे कहीं मैंने कुछ स्केल स्केल किया तो यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा, अगर मैनेज हो गया तो आपको यहाँ पे डील करना देखा पे। ठीक है अभी यहाँ पे मैंने एक सेगमेंट दिया, सेगमेंट का यूज़ क्या भी बता देता हूँ। देखो ये देख रहे एजिस मैंने यहाँ पे किया, ये एजिस देख रहे हैं यहाँ पे, ये एजिस यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, इसे छोड़ दो। ठीक है यहाँ तक छोड़ दो, इसके बाद यहाँ पे देखो हल्का सा कर्व है यहाँ पर, देखें यहाँ पे हल्का सा कर्व है, तो इस कर्व को मुझे कहाँ तक मैनेज करना है, देखो ये पार्ट आपका यहाँ पे यहाँ तक दिखना है अभी, यहाँ देखो यहाँ पे कुछ एक वर्टेक्स मुझे लग रहा है, तो एक जगह दो दो पार्ट है यहाँ पे, दिखा यहाँ पे। तो भाई साहब अगर आप ऐसा कुछ दो पार्ट दिखे आपको यहाँ पे, तो आप इनको क्या कर सकते हो, मेक श्योर स्विफ्ट राइट क्लिक मर्ज टू सेंटर, ये कर दिया मैंने। ठीक है तो एजिस को सिलेक्ट करूँ, ये देखो ये अभी भी यहाँ पे प्रॉपर सिलेक्शन नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे ऐसा पॉइंट बन गया यहाँ पे। ठीक है अभी सिलेक्ट करो, देखो ये पार्ट आपका स्ट्रेट ही है तो इसे छोड़ दो, यहाँ पर थोड़ा सा कर्व जैसा मिलेगा, देखो देखें यहाँ पे तो कर्व वाले पार्ट को यहाँ पे इस वाले पार्ट को छोड़ देते हैं यहाँ पे। ठीक है इस वाले पार्ट को यहाँ पे छोड़ दिया यहाँ पे, इसके बाद से मुझे थोड़ा सा कर्व जैसा फील हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे हल्का सा ये देखो ठीक है यहाँ पे एक कर्व वाली फीलिंग मैंने यहाँ पे दी यहाँ पे, ये पार्ट आपके पास यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा एक वर्टेक्स आपने दिया यहाँ पे, देखो ये देखना यहाँ पे कर्व ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। मैनेज करना तो मैनेज करने के लिए हमने एक कर्व भी दिया कि भाई ऐसा कुछ पार्ट है यहाँ पे। दूसरी बात यहाँ पे मुझे हॉलो दिखाना है, तो यहाँ पे इसको इसको सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे शिफ्ट, यहाँ पे भी सिलेक्ट करो दिस वन एंड यहाँ से शिफ्ट, अभी शिफ्ट प्रेस करके एक्सट्रूड कर दो यहाँ पे, कहाँ तक जाएगा टॉप 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, देखना यहाँ पे ये पार्ट आपका यहाँ तक जाने वाला, तो वी एंड स्नैप ये यहाँ तक। ठीक है परस्पेक्टिव जाओ देखो यहाँ पे मिक्स रेफरेंस ऑफ करो 4 5 ये आपका ऐसा पार्ट दिखेगा यहाँ पे। ठीक है फ्लो थोड़ा सा मेंटेन करना, फ्लो को मैनेज करना, देखो यहाँ पे जहाँ मैं 3 प्रेस करूँगा ये कुछ ऐसा दिखने वाला है, तो फ्लो मैनेज करना ज़रूरी है। फ्लो मतलब क्या, जैसे देखो यहाँ पे मुझे गैपिंग में एक सेगमेंट दूंगा, क्यों दूंगा, जैसे 3 प्रेस के यहाँ पे तो ऐसे ये ऑड ना लगे, हाई पॉली लगे, हाई पॉली के लिए मुझे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है ये पार्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करके दूंगा यहाँ पे। ठीक है यहाँ देखो 1 2 3
1, 2, 3, 4 ईयर, ठीक है, तभी ऐसा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। और ऐसा कुछ करने के बाद मैं जस्ट ब्लॉकिंग जो थोड़ा सा रेडी कर देता हूँ, ठीक है। ब्लॉकिंग रेडी कैसे करेंगे, सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे WDVN मिडिल माउस बटन, कॉर्नर पे ले जाओ कहीं भी कोने पे, ठीक है। एडिट पे गए, डुप्लीकेट स्पेशल, ठीक है, एडिट एंड रीसेट। यहाँ पे रेड कलर है मतलब एक्स, स्केल में एक्स पहला है, दूसरा वाई है, तीसरा जेड है। तो मैंने अप्लाई किया, ये देखो डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट आपके यहाँ पे आ गया। दूसरा पार्ट जैसा मैंने आपको लास्ट में मिरर भी बताया होगा, ठीक है, ये ठीक है। तो अभी यहाँ पे यही काम करना है, यहाँ पे देखना अभी चीज़ों को कैसे मैनेज किया। एक चीज़ और ध्यान देना, डुप्लीकेट करने से पहले एक काम और करो, सेलेक्ट करो, डिलीट करो, स्नैप नहीं कर रहे हो क्या? मेन प्रॉब्लम समझो, अगर आप स्नैप नहीं कर पा रहे तो दिक्कत है। देख यहाँ पे मैं सबको सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे मेक श्योर ये कॉर्नर कॉर्नर है जो सेलेक्ट करना है, इसकी नीड नहीं है, समझ में आ रहा है आप? अभी यहाँ पे मैंने किया आर फोर स्केल, स्केल कर सेंटर पे लाने हैं मुझे, सेंटर पे लेके आए, सेंटर पे जब तक लेके ना हो तब तक काम नहीं होगा। WDVN मिडिल नोज बटन, ठीक है। तो मैं अगर मेरे पास स्नैप नहीं आया DVN मिडिल नोज बटन, कई लोग से नहीं होता तो इंसर्ट प्रेस करके भी आप काम कर सकते हो। इंसर्ट प्रेस किया, आप इधर इधर कहीं मूव कर लो, फिर इंसर्ट ऑफ करोगे, ठीक है। इंसर्ट प्रेस किया, वी एंड मिडिल नोज बटन करो, आ गया, इंसर्ट वापस ऑफ कर लो, ठीक है। एडिट पे गए, डुप्लीकेट स्पेशल, इसे हमेशा रीसेट करके ही करना, ठीक है। रीसेट किया मैंने, स्केल पे गया, यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ पे अप्लाई कर दिया, यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट हो गया 4, 5, ठीक है। एक पार्ट यहाँ पे किया, एक पार्ट यहाँ पे कर दिया, ठीक है, कर सकते हैं यहाँ पे। अभी ये जो मैंने यहाँ पे किया, यही काम मुझे पीछे भी करना है, जैसे मैंने आपको बताया डुप्लीकेट स्पेशल। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सबको सेलेक्ट करके मर्ज करूँगा, ठीक है। मिरर भी ट्राई कर सकते हो आप यहाँ पे, ओके। यहाँ पे अभी आपको काम करना है, इसके पीछे भी आप काम कर सकते हो। चलो मिरर देखिए, मिरर भी हमारा काम करता है, नहीं करता है। यहाँ पे मिरर है, मिरर पे गए, अभी यहाँ पे क्या एक्स अप्लाई किया, ये देखो, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा ये मैनेज करवाएगा भाई, डायरेक्शन ठीक है, माइनस पे किया, ये आ गया भाई, ये भी मेक श्योर देखो अंदर का, देखे ना अंदर वाला पार्ट, तो इसीलिए मैं इसको अवॉइड करता हूँ। मर्ज बॉर्डर है यहाँ पे, आपको देखो एस बॉर्डर देखना है भाई, यहाँ पे फिर आपको इन साथ प्ले करना पड़ेगा, देखें यहाँ पे। तो ये पार्ट आपका यहाँ पे हुआ, तो इसमें भी ऑप्शन है, ऐसा नहीं होगा, लेकिन चीज़ों को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं यूजुअली इसे बेसिक काम के लिए यूज़ करता हूँ, मैं मतलब ऐसे ही ऑप्शन में यूज़ करता हूँ जहाँ पे मुझे कभी टेंशन ना हो। तो एक लास्ट ऑप्शन आपका ऐसा है, कोई भी ऑप्शन आपको बहुत बढ़िया काम करे ना करे, इससे बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो मैं यूजुअली यही यूज़ करता हूँ, थोड़ा सा मेहनत लगती है लेकिन कभी भी धोखा नहीं देता। सेफ टेन कम्बाइन, ठीक है, एंड देन मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट कर दिया, मर्ज मर्ज वर्टेक्स, ध्यान देना कहीं छोटे छोटे वर्टेक्स होना कहें। दूसरा पार्ट यहाँ पे मैंने क्या किया, डब्लू प्रेस कर दिया, यहाँ पे एडिट पे गए, डुप्लीकेट स्पेशल, ठीक है। यहाँ पे जेड दिख रहा है यहाँ पे, अभी देखो आपको पार्ट आपको कहाँ सेट करना, टॉप पे गए, ये पार्ट मुझे यहाँ पे सेट करना, WDVN मिडिल माउस बटन यहाँ पे, ठीक है। एडिट पे गए, रीसेट, कौन सा जेड है, ये जेड हो गया आपका, माइनस करो, अप्लाई करो यहाँ पे, तो ये आपका देखो बन गया। यहाँ पे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, शिफ्ट एंड कंबाइन, कंबाइन कर दिया, वर्टेक्स पे गए, सेलेक्ट कर दिया, मर्ज मर्ज वर्टेक्स, ऊपर वाले पे मत करना, देखो ऊपर वाले पे करो ऐसा हो जाएगा, ध्यान रखना। तो मर्ज और यहाँ पे मर्ज वर्टेक्स, दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पे थोड़े से क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे कि कैसे आपको क्या काम करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमने कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ये रेफरेंस ऑफ कर ऑन कर लेते हैं यहाँ पे, फ्रंट पे गए। अभी इनको थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको मैं अभी अपकमिंग क्लास में ही बताऊँगा, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर देता हूँ, फॉर ए टाइमिंग छोटे छोटे पार्ट में यहाँ पे कवर करता था। जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट किया, सिलेंडर मुझे चाहिए, तो मैंने सिलेंडर यहाँ पे लिया था, सिलेंडर ले रहा यहाँ पे, सिलेंडर लिया यहाँ पे, क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। यहाँ पे मैंने रोटेशन दिया, यहाँ पे ब्लॉकिंग बनाने में कुछ नहीं आता, तो रोटेशन पे गए 90, ठीक है। ये काम मैंने यहाँ पे कर दिया, ये पार्ट आपके पास ऐसा कुछ है, ठीक है। रेडियस कम चाहिए, यहाँ से रेडियस कम कर लेते हैं, देखो फिर हाइट चाहिए, हाइट कर लो आप यहाँ पे, ठीक है। ये काम मैंने यहाँ पे कर दिया, ये देखो ये मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक टोरस चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट पे गए और पॉलीगन पे गए, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, टोरस। मैंने कहा ना बाई डिफॉल्ट ज्योमेट्री को स्टडी करोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, वन क्लिक, दूसरा सेकेंड क्लिक करोगे आप यहाँ पे, ये देखो आप यहाँ पे आ जाओ, रेडियस यहाँ पे पहले सेट करो, देखो ये पार्ट आपको देखना अभी, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, रेडियस आपका थोड़ा सा कम करो, ठीक है, यहाँ पे सेट करो,
तो रेडियस में आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्लॉकिंग करना आपको आ जाएगा, रेडियस है इस रेडियस को थोड़ा सा मैनेज करूँ तो ब्लॉकिंग आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट आपने ऐसा कुछ किया। ओके, सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट सब डिविजन दे दो, ये कम नहीं करना मुझे यहाँ पे, हाइट सब डिविजन देखो, ये सेगमेंट कम करना है, ये सब डिविजन को मैं कम करूँगा। तो देखो पर्सपेक्टिव बनाता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे इसे क्रॉस चेक करो, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जैसे पॉइंटेड जैसा दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डब्ल्यू प्रेस कर दिया भाई बाहर आ जाओ, और मैंने यहाँ पे फाइव किया, फाइव किया तो मैं फोर करके देखो यहाँ पे, देखो ये कॉर्नर वाला पॉइंट आपको देखेगा। ठीक है, अब कॉर्नर वाले पॉइंट में देखो सिक्स है, मैंने कहा भाई मुझे चार पे करना, तो देखो राउंडनेस वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, शार्पनेस वाली लाइन आपको दिख जाएगी आपको यहाँ पे। तो ये आपको समझना है कि आपके पास बाई डिफॉल्ट ज्योमेट्री गिवन है, उसको आप कैसे मैनेज कर पाओगे आपके पास यहाँ पे। ठीक है, ये देखो बेसिक ब्लॉकिंग मैंने यहाँ पे सेट किया, ये पार्ट में बस यहाँ पे। ठीक है, तो दिस वन एक एक करके आपको अलाइन करना है। देखो टॉप पे गए, ये देखो ये सेट आपने यहाँ पे किया, इसके बाद आप यहाँ पे गए, इसको आपने यहाँ पे सेट किया, ग्रिड ऑन करना, फोर प्रेस करना है यहाँ पे, ग्रिड पे देखो, ग्रिड पे सेंटर लाइन होनी चाहिए यहाँ पे। मॉडलिंग के अंदर सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि ग्रिड में आपको चीज़ें हैं कि नहीं। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे, तो ग्रिड पे सब कुछ आपको मैनेज करना है। ब्लॉकिंग आपको स्टार्ट कर देना है कि ब्लॉकिंग कैसे आप कर सकते हो और चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हो, तो अभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सपोज़ मैंने यहाँ पे जो भी काम किया यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल डी करके यहाँ पे दिखा दिया भाई मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फोर फाइव एंड सिक्स। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे करके आप यहाँ पे दिखा सकते हो, भाई मैंने यहाँ पे कुछ काम किया तो मेरे पास चीज़ें ऐसे दिख रही हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करेगा फोर। ठीक है, आप चीज़ों को देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो ऐसे करके हम लोग दिखाएंगे भाई कैसे हम लोगों को मॉडल करना है और क्या कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं।